आगरा जिला अस्पताल में लीवर के रोगियों के लिए डायलिसिस सेंटर खोला गया है। इस सेंटर में इस बीमारी से परेशान लोगों का फ्री में डायलिसिस हो सकेगा। मेयर ने डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया। इस सेंटर पर एक बार में 10 मरीजों का डायलिसिस हो सकेगा, जिसमें सिरो नेगेटिव मरीजों के लिए 9 बेड और सिरो पॉजिटिव मरीजों के लिए एक अलग से बेड बनाया गया है। जैसे जैसे आजकल खाने में और चीज़ों में मिलावट मिलती जा रही है, केमिकल और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पे हिंदुस्तान में किडनी के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं वो सारे किडनी को नुकसान देते हैं, हमारे गुर्दों को नुकसान देते हैं। तो उसमें इनकी मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है, तो उसमें जो गरीब तबका है जिसके पास पैसा भी नहीं है, वो भी बेचारा किडनी फेल्योर या इन तरह से परेशान है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ करवाया यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। तो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और थोड़ा सा पैसा देगी उसमें, और दूसरे कुछ प्राइवेट उसमें पैसा जाएगा। तो इससे ये कार्य शुरू होगा, इसमें पेशेंट को एक पैसा भी नहीं देना है। और जैसे कि बताया आपको, 10 बेड्स हैं यहाँ पे, आराम से 30 लोगों का यहाँ पे डायलिसिस हो सकती है। अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ये करवा सकते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, पेशेंट को कोई पैसा नहीं दिया, बहुत बड़ी बात है। और इस हॉस्पिटल में जैसे आपने रूम देख ही रहे हैं कितना साफ सफाई, और क्योंकि इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल का बहुत बड़ा रोल है, अगर इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है तो ये भी इसमें बहुत ज़रूरत है। अस्पताल में अत्याधुनिक मशीन से मरीजों का डायलिसिस शुरू होने से लोगों में खुशी है। वहीं मेयर ने भी प्रबंधन का धन्यवाद किया। थोड़ा नीचे करो मेयर साहब, आज थोड़ा पीछे भी जो है कितना। देखिए, मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आगरा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जहाँ गरीबों के लिए डायलिसिस की सेवा प्रारंभ होने जा रही है, और वह भी निःशुल्क है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से PPP मॉडल पर यह सेवा जिला अस्पताल में प्रारंभ आज हुई है। और आप देखिए कि यहाँ पर 10 बेड हैं, 10 डायलिसिस की मशीनें हैं। यहाँ पर एक मशीन पर 3 बार डायलिसिस होगी, और 10 मशीनें हैं तो 30 लोगों का डायलिसिस प्रतिदिन हो सकता है। और इतना बढ़िया हॉल देख रहे हैं आप लोग, जो मुझे लगता है कि प्राइवेट जो नर्सिंग होम है उससे भी बहुत अच्छी व्यवस्था में यहाँ मेंटेन हुआ है और कर रहे हैं ये लोग। और मैं प्रशंसा करूँगा सभी लोगों की जो इस कार्य में लगे हुए हैं, और जो वास्तव में गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। ये सुविधा SN मेडिकल कॉलेज में 400 रुपए में उपलब्ध है, और निजी हॉस्पिटल में 1200 से 1500 रुपए में डायलिसिस हो रही है। वहीं कुछ चैरिटेबल संस्थाएं 700 से 900 रुपए में डायलिसिस करा रही हैं। मरीज को नियमित डायलिसिस करानी होती है, इससे खर्चा अधिक आता है। गरीब और सामान्य वर्ग के लोगों को ऐसी स्थिति में अपने आप को असहज और परेशान हो जाते थे, जिसे उन्हें सही इलाज के अभाव में अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती थी। आगरा से ब्रिजभूषण, पंजाब केसरी TV।